दोस्तों, आज मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि वो कौन सी गलती है जो शायद आपको कभी नज़र भी नहीं आई लेकिन आपके लिए बड़ी मुसीबत का सबक सिखा सकता। दोस्तों, हम सब जो है, हम सब मतलब जो हम मैं मेरे जो दोस्त लोग जो ट्रेन की वीडियो शूट करते हैं, जो उन्हें ट्रेन पसंद है, वो उनको एक को उनको उनको बोलते हैं रेल फैन बोलते हैं, जो ट्रेन के फैन होते हैं शॉर्ट फॉर्म में रेल फैन। हम जब अगर खासतौर पर यंगस्टर्स की बात करूँ तो हमारे पीछे रेल फैन का जो है ना, वो एक टाइम पे चुनौती बन जाती है। कैसे? हमारी पढ़ाई, हमारी एग्ज़ाम, हमारे घर के काम, हमारे अन्य काम, हमें इन सब में से टाइम निकाल के उन्हें 24 घंटों में वो जो ट्रेन का जो फिक्स टाइम रहेगा, जो टाइम में ट्रेन आएगी, उस टाइम पे जो काम है वो काम को जल्दी ख़त्म करके, नहीं तो वो काम को थोड़ा पोस्टपोन करके कैसे भी करके हमें एक अलग टाइम टेबल बनाना पड़ता है। जो हमारा नॉर्मल टाइम टेबल रहता है, टाइम टेबल अलग करके एक अलग टाइम टेबल बनाना पड़ता है। उस टाइम टेबल के हिसाब से हमें रेल फैमिली में जाना पड़ता है। तो सोच सकते हो आप, इतनी भागा दौड़ी, इतना डिसीजन मेकिंग टाइम, इतना सब कुछ करने के बाद हमें हमारा जो पैशन है वो पूरा करने मिलता है, जो हमारी हॉबी है रेफाइन करने। तो बेसिकली हमें हमारी वीडियोस कलेक्ट, हमारा जो वीडियोस बनाने का शौक है वो हम हॉबी है, हमारी हॉबी है। हमें कलेक्ट करने का शौक है, अलग अलग ट्रेन की वीडियोस बनाना, अपने पास अपना शेयर करना, और ये यूट्यूब ये चीज़ करने की हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। जैसे अभी मेरे पास चेन्नई के वीडियोस आते हैं, मैं अपलोड करके कोई वहाँ पे दिल्ली से देख सकता है, कोई दिल्ली से कोलकाता देख सकता है, मतलब ऐसे हम एक कम्युनिटी बन जाते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे कम्युनिटी बनाने के लिए वो कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमारा खुद का पैशन है जो हम पूरा करना चाहते हैं। कुछ टाइम अगर आप देख अगर आप सोचोगे तो सोच सकते हो कितना मुश्किल होगा, हमें हमारा शेड्यूल अलग रखना पड़ता है, हमें हमारा यूट्यूब शेड्यूल अलग रखना पड़ता है। और हम ऐसे भी नहीं कर सकते, अभी सपोज अगर मैं यूट्यूब की तरफ ज़्यादा झुक गया तो ये शेड्यूल अफेक्ट हो जाए, ये भी नहीं कर सकते, घर वाले वगैरह सब समझ सकते हैं, आप डांटेंगे हमारा, हम खुद को हमारा शेड्यूल अफेक्ट होगा। और इसके पीछे ये अफेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पर्सनल चीज़ है, पर्सनल चीज़ नहीं करेंगे तो फिर मन नहीं लगेगा कोई काम में। तो हमें हमारा माइंडसेट ऐसा रखना पड़ता है, जैसे ये भी होगा वो भी होगा, सब एक साइड में एक साथ में लेके चलना पड़ता है हमें। अब समझिए, आपने सब कुछ बराबर किया, आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो भी सही से कर लिया, आपका जो रेलफैन का शेड्यूल वो भी सही से बन गया, आप स्पॉट पे चले गए, अगर आपका जो पर्सन जो हाथ से आप ट्रेन की वीडियोस निकाले तो आपका स्पॉट बोलते उसको, वहाँ चले गए, कैमरा वगैरह रेडी करके ट्रेन आपके सामने आ गए, बस आपसे स्किप करने वाली होती है और पीछे से एक आवाज़ आती है, बेटा क्या कर दो। हमें ना चाहते हो भी अपना वीडियो देख के ऐसे देखना पड़ता है, कौन बोला क्या बोला, पीछे से आते हैं पुलिस अंकल, पुलिस वाले आके बोलते हैं कि ये काम नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ योर ट्रब्स। समझ रहे हो ना दोस्तों, एक रूल है, ये रूल है। आजकल हाल ही में जो नॉन रेल फैंस लोग होते हैं, रेल फैन जो है ना, वो कभी गलती नहीं करेगा कि ट्रेन चलिए ट्रेन के सामने आके फ़ोटो खींचेगा या उसके उसके आसपास को अननेसेसरी एक्टिविटीज़ कर, जैसे कूदाकूदी करना, यहाँ से वहाँ जाना, ट्रेन को आगे ऐसे हाथ दिखाना। और आजकल आपने वीडियो भी देखा था, वो आदमी पीछे से लोकल ट्रेन आ रही थी, वो ऐसे सामने से खड़े हो गए, सब पूरा वीडियो पूरा वायरल हुआ है, तो आपने देखा ही होगा। वो कोई रेल फैन नहीं था, नॉर्मल आदमी था, मस्ती कर रहा था, ट्रैक पे खड़ा हो गया, ट्रेन के साथ मस्ती कर रहा था, उसके साथ वो हाल हुआ। हम जो है हम मस्ती नहीं करते, हमारे हमें पता है कैसे करना है क्या करना है, लेकिन ये बात नॉर्मल लोगों को नहीं पता। सब लोग अभी नॉर्मली, आप अगर मैं आपको कभी दिखा ट्रैक पे तो, और अगर मैं ट्रेन को शूट करता हूँ, मतलब आपको क्या समझोगे, यार बच्चा है जिसको मज़ा आता होगा ट्रेन को शूट करना, लेकिन आपको क्या पता कि उस ट्रेन का लिंक का नंबर क्या है, उस ट्रेन का लोकल नेम क्या है, WAP4, WAP7, WAP5 का फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, LHB क्या है, ICF क्या, आपको कोई मतलब नहीं होता। नॉर्मल पैसेंजर को क्या है, ट्रेन की टिकट मिल गई, सीट मिल गई, चलो इतना होता है ना। हमें ऐसा नहीं होता, हमें टिकट लेने में भी हमें हमारी सीट, एक जो सीट होती है, हम दुआ करते हैं हमें स्पेशली वही सीट लेना, विंडो साइड सीट, ताकि क्या है वीडियोस अच्छे से बन सके। वीडियोस बनाने के लिए वो सीट लेना, LHB ICF ट्रेन के कंपैरिजन करना, स्पीड टेस्ट लेना, क्यों लेट हो रहे, वो सब हमें इंटरेस्ट है, हमारा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है। हम ये नहीं कहते कि आप भी हमारे साथ, हमारे पास इसको पूरा करने के लिए हम ये सब करते हैं, हमें इसे कोई मस्ती नहीं होती। हमारे पास वो क्या बोलते हैं आज के पुलिस वाले, आज का क्या बोलते हैं कि तुम लोग क्या आतंकवादी हो सकते हो, ये वीडियोस लेके आतंकवादी को दे सकते हो, ये हमें कुछ नहीं होता, हम लोग सिर्फ हमारे पर्सनल शौक के लिए करते हैं। हाँ, पुलिस वाले अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही, मैं इनको गलत नहीं बोल रहा, वो ऑब्वियसली सही है। अभी किसी को भी अगर वो देखेंगे तो एंड द नेम ऑफ रेल फैन, कोई ऐसा आदमी आ गया और वो छूट गया, फिर वो बात भी है, सही है। बट देन एक
जो रेगुलर वीडियोग्राफर है, जो हमारे जैसे रेल फैंस है, आपके लिए बोल रहा हूँ मेरे फैंस, आप थोड़ा गौर से देखना, हमारे जैसे जो रेल फैंस है वो इस चीज़ से लेके थोड़ा डिप्रेस हो जा रहे, क्योंकि अभी सपोज देखो पुलिस वाले आते हैं पीछे से, आपको आपका वीडियो लेते लेते पीछे से बोलते क्या काम, तो पहले बार आपकी ट्रेन थी वो वीडियो आपको पूरा नहीं होगा, वो दुख तो साइड में छोड़ो, पीछे से नई मुसीबत आ गई उसको गले लगा, बुला के सवाल पूछते कि क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो। अब ये से हमारे सीरियस रहता, परिवार कहाँ पे रहता है, घर कहाँ पे है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, वगैरह वगैरह सब पता है। ये सब के सवालों के जवाब राइट टू राइट वर्ड टू वर्ड देने के बाद ही आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पुलिस वाला आपको चुपचाप छोड़ देगा, वो आपको उसकी जगह जो चौकी होती है वहाँ पे ले जाएगा, वहाँ पे आपका कैमरा जब करवाएगा, आपके वीडियोस दिखवाएगा और दो तीन लोगों को बोल के आएगा, लोगों को वीडियोस उनके हमारी जो स्टाइल होंगी ना वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करने से नहीं रोक पाए, वो ये तो बोल ही देंगे कि आप अच्छे वीडियोग्राफर हो, लेकिन इतना नहीं होता कि आप छोड़ दो, जान दो, कोई बात नहीं, पहली मिस्टेक है, जान दो, ये सब नहीं। उनको पेरेंट्स को बुलाएंगे, सबके सामने बोलेंगे दैट शिट, वो सब टोटल एक रेल फैन के लिए बोल रहा हूँ, आप उनकी को गलती नहीं, एक रेल फैन की बात बोल रहा हूँ, वो एक एम्बेरेसमेंट फील होती कि यार एक हॉबी कर रहा हूँ मैं ना, इसमें मैंने किसी का कुछ कोई सपोर्ट मांगा है ना, मैंने इसमें किसी का कुछ टाइम मांगा है, मेरी इक्विपमेंट्स है, मेरा प्लान है, मेरा शेड्यूल है, सब कुछ मेरा है, बट देन आई हैव टू गेट अफेक्टेड फ्रॉम दीज थिंग्स, पुलिस वाले आ गए, घर वाले आ गए, वो चलान कटान और उस रात जो बोले क्या किया क्यों गए, अब लोगों को तो कुछ पता है नहीं, लोग तो अपनी ज़िंदगी रहते हैं, हमें पता होता है कि हमने क्या किया और हमें फिर सबको जवाब देना पड़ता है कि यार कुछ नहीं, अब ये जवाब भी कितने एम्बेरसमेंट, हम वीडियो खींचे थे इसे पुलिस पकड़ के ले गए, ये इसका मतलब क्या हुआ। अगर हम बेसिक मेन रूल्स पे आते, क्योंकि रूल क्या है, सबसे पहला जो पुराना रूल जो है, सबसे जो स्टार्टिंग से जो रूल चल रहा है वो ये है, प्लेटफॉर्म पे कभी बिना टिकट के नहीं जाना, प्लेटफॉर्म टिकट आती है, प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना, वहाँ पे प्लेटफॉर्म जाना, बिल्कुल सही। अगर आप बिना प्लेटफॉर्म के जाएंगे तो ऑब्वियसली वो एक रेलवे का रूल है, सबको पालन करना चाहिए, एवरीवन शुड फॉलो इट, प्लेटफॉर्म का टिकट लेके नहीं जा सकते, पहला रूल। सेकंड रूल ये है जो हाल ही में बना है, जो आजकल एक्सीडेंट्स देख के बना है, जो सेल्फी लेते हैं सामने ट्रेन के, मस्त ट्रेन के साथ जो फोटो वोटो लेना अपनी खुद की, वो ये है, अगर कोई लड़का ट्रेन के साथ सेल्फी लेते पाया गया तो उसको जुर्माना होता है, या हाँ अगर कोई ज़्यादा मस्ती कर रहा होता है, कुछ क्लोज एनकाउंटर्स होते हैं तो शायद जेल भी हो सकती है। सुना ये एक रूल आया है नया, हमारे रेल मिनिस्टर साहब ने रूल निकाला, तो ये दोनों रूल जो है, इस रूल में कोई ये नहीं लिखा था कि वीडियो लेना बैन, पहली बात। दूसरी बात ये है, प्लेटफॉर्म से अगर नहीं लिया वीडियो, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप रेलवे प्रॉपर्टी में आए तो आपको प्लेटफॉर्म में ले जाना पड़ेगा, ऐसे तो क्या होगा, रेलवे क्रॉसिंग होगी, रेलवे क्रॉसिंग से वीडियो लेगा तो वहाँ पे क्या बोलेंगे कि आप सेल्फी ले रहे थे ट्रेन के साथ और रेलवे प्रॉपर्टी में हो तो आओ चलो, इसका मतलब क्या होगा। मैं आपको एक पर्सनल चीज़ शेयर करता हूँ, अभी थोड़े देर पहले मैं और मेरे दो फ्रेंड्स यहाँ पे रेल फैनी करने गए थे, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, पहली बात हमें कोई प्लान नहीं था, हमसे वैसे ही चलेगा, मेरे को मैं आज फ्री था, मेरे फ्रेंड्स आज फ्री थे, हम लोग गए, फ्रेंड्स के नाम लेना चाहूँगा, वो लोग समझ जाएंगे। पहुँचे स्टेशन, पहुँचे हमने पहले क्या सोचा, स्टेशन जाते हैं, स्टेशन की थोड़ी सराउंडिंग में रहते हैं, फिर वहाँ से अपने स्पॉट पर ऑटो पर चले जाएंगे, जो यहाँ के जो कर्ज है, कर्ज पर जहाँ पे MPS मिलता है, MPS यानी जो ट्रेन एकदम स्पीड से स्किप करती है वो स्पॉट अच्छा लगता। हम गए, जाते बराबर हमें विजयवाड़ा का रेड बैंडेड वैक्सर, जो कैसे बताओ, वैक 7 के ऊपर रेड बैंड आता है, रेड बैंड आता मतलब नॉर्मली नहीं आता, रेगुलरली एक अलग येलो बैंड आते हैं जो रेस्पेक्टिव डिलीवरी होती है उनके साथ आते हैं, एक सेलिब्रिटी मतलब एक अलग से लोगों को, दो लोग है, एक काजीपेट शर्ट का एक लोगो है और एक विजयवाड़ा शर्ट का एक लोगो है, दो लोग हैं, दोनों लोगों के ऊपर एक रेड बैंड, ठीक है, तो एक पर्सनल रेल फैन को अट्रैक्ट करेगा कि देखो ये रेड बैंड लोगो है, बहुत रहा है इंडिया में, दो लोगो है इसमें, एक हमारे सामने दिख गया, तो ऑब्वियसली वो अपनी साइडिंग में खड़ा था, उसके बाद टैंकर था, टैंकर एक था खड़ा था, हम मैंने दो लोग जो गए, दो लोग मेरे जो दोनों फ्रेंड्स ने क्या सोचा कि हम उनको थोड़ा काम आ गया था तो स्टेशन के बाहर पानी लेने गए पीछे, और मैं वही था, मैंने क्या किया, हम लोग कहाँ थे आपको पता, हम प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, हम स्टेशन पे नहीं थे, हम कैसे थे, स्टेशन अंदर प्लेटफॉर्म सारे मेन अंदर है, यहाँ पे एक साइडिंग है, मतलब कोई भी आ सकता है वहाँ पे, कोई भी जा सकता है, इट्स एक्चुअली नथिंग, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे कोई ट्रेन रुकती नहीं है, कोई पैसेंजर रुकती नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है पहली बार, बट एक होता है ना, आप देख सकते हो कि जहाँ पे गुड्स लोडिंग होती है, गुड्स जो अंदर डालते हैं, तो वो जो
जहाँ से चल के जाते गुजरात में करते हैं ना, वो जगह थी, वो भी अबैंडन थी, रेलवे उसको यूज़ नहीं करता। वहाँ पे सिर्फ साइडिंग में लोगों खड़े रहते हो, पीछे के ट्रैक से ट्रेन दिखती है। मैं आपको उसका एक फ़ोटो दिखा दूंगा इस वीडियो के बीच में, आपको दिखने मिल जाएगा। वैसी जगह पे खड़ा था, तो ना वो प्लेटफॉर्म हुआ और ना वो ट्रेन के साथ पर एक्टिविटी की मैसेज हुई। मैंने क्या किया, लोगों जहाँ पे था मैं अपना फोटो ले वीडियो लेके आने को कैमरा लेके ऐसे इंजन की साइडिंग को रेड बैंड को फोकस करके चल रहा था। चला जब मैं इंजन के एंड में पहुँचा, मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आगे से एक आरपीएफ आता है, मेरे को बुलाता है। अब नॉर्मली मेरे को भागने की जरूरत नहीं, मैंने कोई क्राइम तो किया नहीं, मैं तो ऑब्वियसली जाऊँगा। मैं गया, मैं जाने के बाद मेरे को पूछता है और मेरे को पूछते हैं क्या कर रहे हो। बोला कुछ नहीं, ये जो इंजन खड़ा है इसकी वीडियो निकाल रहा था। बोला किससे पूछ के निकाल रहे हो? तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो किसी से नहीं पूछा, मैं तो सीधा जवाब दिया। मैंने बोला मैंने किसी से नहीं पूछा और ना मैं कोई सेल्फी ले रहा था, ना मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मेरे को प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, ना सेल्फी की जरूरत है। ठीक है, ये मैंने बोला नहीं, मैंने अपने मन में सुना, सोचा कि मैं देख ना मेरा इसमें क्या क्राइम, कोई क्राइम है ही नहीं। ना मेरा प्लेटफॉर्म पे बिना टिकट गया, ना मैं सेल्फी निकाल, ना मैं ट्रेन के साथ था। इंजन खुद दो ट्रैक छोड़ के आगे था, मैं यहाँ से मतलब समझो ना, एक 5 फुट की जगह तो पा नहीं, 10 फुट तो समझ लो आप, इतनी तो जगह होगी। तो हम लोग, मैं उतनी स्पेस से वीडियो निकाला, वो उसमें ना मैं ट्रेन को छुआ, ना मैं ट्रेन के सामने गया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो इसमें मेरी गलती क्या है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरी इसमें गलती क्या है? ये गलती हो गई कि मैं ट्रेन की वीडियो निकाल ली, ये हो गया ना। अब फिर उसके बाद मेरे को कैमरा देना पड़ा, मेरे को मेरे पप्पा को बुलाना पड़ा, मेरे को वहाँ पे बैठना पड़ा 10 मिनट पप्पा को, जब तक आने टाइम नहीं हुआ तब तक वहाँ पे पप्पा को बोले कि ये ऐसे कैसे वीडियो निकाल सकता है ये वो। अब ठीक है, मैं इस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, सेक्युलरिज्म की टिप्स नहीं करना चाहूँगा, बट देन एम्बेरेसिंग जो फील होता है ना, मतलब एकदम से कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, ना मैंने कोई रूल ब्रेक किया है, ना मैंने कुछ किया है, उसके बावजूद मेरे को ये करना पड़ रहा है। वाई? बिकॉज मैंने वीडियो बनाई। व्हाट इज दिस? एक स्पेशल रूल है ना कि सेल्फी लेते समय जुर्माना होगा, अगर आप ट्रेन के सामने अपना कोई फीचर कर रहे हो या ट्रेन को ये कर रहे हो, वही होगा ना, यही रूल है ना उसके, इसका यहाँ पे कौन सा फील हो रहा है, यहाँ पे कौन सा लॉ ब्रेक हो रहा है? तो मेरे को मेरे पप्पा को बुलाना पड़ा, मेरे को वहाँ पे वेट कराना पड़ा, मेरे को अपना कैमरा देना पड़ा, और ये ऐसे ही नहीं होता। कोई अगर हम देखते हैं, आप देख सकते हो कभी कोई सेलिब्रिटी ट्रेन से जाता है तो वीडियोज़ की भंडार बढ़ जाती है, तब क्या होता है? तब उसके बीच में कोई आता था, क्या कर लोगे? एक एक को बुला के चेक करते हो? नहीं करते ना। से खत्म भाई, आप देख लो, एक नॉर्मल सा बच्चा जिसने अपना आधार कार्ड दिखाया, जो इंडियन रेसिडेंट है, उसको फिर चेक करने के बाद पेरेंट्स को बुलाना, जुर्माना भराना, जैसे 200 रुपये का जुर्माना भरा है, क्या नाम से कि मैंने वीडियो लिया। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ, अगर मेरे को कुछ, अगर ऐसा कोई रूल मैं मिस कर रहा हूँ कि वीडियो लेना ही बैन है, तो फिर आई एम सॉरी, आप मेरे को मेंशन कर सकते हैं वीडियो में, मैं इस बात पे ध्यान रखूँगा। आपके अगर ऐसा कोई रूल है तो मैं नेक्स्ट टाइम इस रूल पे वीडियो बनाऊँगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो कि हाँ भाई आपसे बोल रहा, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। द थिंग इज, आपकी जो गलती होगी वो क्या गलती है कि आप वीडियो निकाल रहे हो, समझ रहे हो? एक वीडियो निकालना आज गलती हो गया है, तो क्या करें? पैशन छोड़ दे, वीडियो निकालना बंद कर दे, या कुछ और करें? प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, टिकट लेके जाएंगे, मेरी सलाह आपको है। तो वो जो मिस्टेक में जो मैं बोल रहा हूँ, मिस्टेक आपकी अगर यही हो सकती है कि आप प्लेटफॉर्म बिना टिकट लेके जाएं, या आरपीएफ के सामने वीडियो बनाएं उनसे बिना पूछे। अब अपने पैशन पूरा करना है, हम एकदम सीधे लोग हैं, हमें कुछ नहीं करना देना उन क्या क्या बोलते हैं देश द्रोही चीज़ों से, कुछ नहीं करना देना। वीडियो बना रहे, एक छोटा सा वीडियो बना रहे, अपने देश द्रोही आतंकवादी से मिले होंगे, ये मतलब सोच रहे हो, थिंकिंग सोच रहे हो। आपके साथ मैंने कई बार सुना है कि आपके साथ मतलब मैंने कई बार ऐसे सुना है कि रेल फैंस फोटो लेते समय उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया, पुलिस पकड़ के ले गए, कैमरा जब्त कर गई, एंड ये कर लिया वो कर, क्यों? क्योंकि उन्होंने वीडियो बनाया। सिंपल, उन्होंने ना ट्रेन कोई ऐसी एक्टिविटी की जिससे रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, ना उन्होंने कुछ ऐसा किया जो रेलवे लॉस के अनुसार नहीं है, जो रेलवे लॉस को प्रोव करता है, कुछ नहीं किया, बस वीडियो बनाया अपने पैशन के लिए वीडियो बनाया, एंड दैट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट आई गेस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं जो सोचता हूँ वही होगा, आई मे भी रॉन्ग, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं आपको आपके लिए सलाह दे रहा हूँ कि कभी ऐसी ये गलती मत करना। बट देन हर अभी
एक जो मेन रेल फैन होगा, जो बेसिक रेल फैन होगा, उसका जो माइंड सेट होगा वो ठीक है, वो इसके लिए प्रिपेयर रहेगा पहले से कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है तो ठीक है, इनको दिमाग से निकाल। लेकिन जो स्टार्टर्स होते हैं ना, जो मतलब अभी अभी शुरू करते हैं, रिसेंटली स्टार्टिंग करते हैं ना, उनके लिए फिर एक सेटबैक हो जाता है। मतलब अरे यार ये क्या हो गया, और पुलिस पकड़ के ले गई, मम्मी पापा डांट रहे घर पे, अब ये क्या होगा, वो क्या होगा, इससे उनको अंधेरे अंधेरे इतना एम्बेरस हो जाता है कि फिर एक टाइम फिर छोड़ ही देते हैं, अपना पैशन ही बदल देते हैं। अब ये सही है, पैशन छोड़ना सही है, या रूल्स के अकॉर्डिंग चलते काम करना सही है? ये ऑब्वियसली रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना सही, आप रूल्स ही मान लोगे, आपका पैशन भी हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी राइट। तो ये जो स्मॉल मिस्टेक है, ये मिस्टेक ना करना। बस मेरे को आपसे ये कहना था, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियोज़ का कमेंट्स सेक्शन में मेरे को बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया और क्या ना पसंद आया। ऐसे नहीं बोला, इस वीडियो में ऑब्वियसली कुछ गलत तो होगा ही, तो क्या ना पसंद आया वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। आपके कमेंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूँगा, एंड तब तक के लिए।